गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में, जहाँ पे मैं फिरोज खान आपके लिए लेके आया हूँ आज एक नया टॉपिक राइटिंग सेक्शन का, लॉन्ग कंपोजिशन। ट्वेल्थ कंपल्सरी इंग्लिश में से लॉन्ग कंपोजिशन का एक टॉपिक लेके आया। लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर क्या है? लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर दो चीजें हैं, आर्टिकल एंड स्पीच। आर्टिकल यानी विज्ञापन का स्वरूप होता है, यानी विज्ञापन का एक रिपोर्ट जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से आर्टिकल होता है, यानी रिपोर्ट का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है। यानी जिस प्रकार से न्यूज़ हमारे अखबारों में छपती है वैसे ही आर्टिकल्स छपते हैं किसी सोशल इश्यू पे, या फिर कोई गंभीर समस्याएं होती हैं उन पर, या दैनिक जीवन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी बातें होती हैं उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? आर्टिकल लिखते हैं। स्पीच एक होता है भाषण। स्पीच एक भाषण होता है जिसमें कोई भी कार्यक्रम होता है, वहाँ पर किसी व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा या वहाँ के आयोजकों द्वारा जो स्पीच प्रस्तुत की जाती है वो स्पीच कहलाती है, जो भाषण प्रस्तुत की जाती है वो स्पीच कहलाती है। तो दोनों को लिखने का तरीका लगभग सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो हाँ, आज पहले देखेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल किसके अंदर आते हैं? लॉन्ग कंपोजिशन के अंदर आते हैं स्पीच और आर्टिकल। ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, यानी दोनों में से एक करना होता है, ठीक है? दो क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। 7 नंबर का टॉपिक होता है। कितने नंबर का? आरबीएससी में 7 नंबर का होता है, सीबीएसई में ये 10 नंबर का होता है। आरबीएससी में कितने नंबर का होता है भाई? 7 नंबर का, और सीबीएसई में ये 10 नंबर का होता है, ठीक है? जैसे इसकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, पहले जैसे इसका टाइटल लिखा जाता है 1 नंबर मिलता है, कंटेंट लिखा जाता है, कंटेंट में इसके 3 नंबर मिलते हैं, ठीक है? और ग्रामेटिकली और थॉट्स, ग्रामेटिकली यानी ग्रामेटिक उसकी जो सिचुएशन है उसको और थॉट्स को देख के 3 नंबर उसके मिलते हैं। यानी जो लिखने का तरीका होता है, थॉट्स जो होते हैं, सही विचार प्रकट किए गए होते हैं, तो वो उसमें हमें 7 नंबर इस पोजीशन से मिलते हैं। टाइटल या हेडिंग का 1 नंबर, कंटेंट का 3 नंबर, और ग्रामर और लिखने का जो तरीका होता है उसकी शुद्धि के 3 नंबर मिलते हैं। अगर आपका ग्रामर ठीक नहीं है तो आपका 150 डेड नंबर लगभग कट जाता है। बाकी अगर आपको ग्रामर ठीक से नहीं आती है तो भी आप इससे 7 नंबर में से 4 से 5 नंबर आराम से लेके आ सकते हो। तो लिखने का तरीका आराम से पढ़ोगे समझोगे, आर्टिकल किस प्रकार से लिखा जाता है, आर्टिकल का कंटेंट क्या होता है, कंटेंट इसका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल के बारे में ये पढ़ेंगे कि इसमें हम किस प्रकार से क्या लिखते हैं, आर्टिकल होता क्या है, ठीक है? आर्टिकल एक विज्ञापन का ही या एक न्यूज का स्वरूप होता है। जिस प्रकार हम रिपोर्ट लिखते हैं वैसे ही आर्टिकल लिखा जाता है। अब इसको लिखने के लिए विशेष या ध्यान रखने योग्य बातें, फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट लाइन में हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले इसका ऊपर क्या लिखते हैं? हेडिंग एंड उपयुक्त शीर्षक। बड़े शब्दों में लिखे, यानी कैपिटल लेटर में लिखे। किसमें लिखें? कैपिटल लेटर में।
अगर हम उसका शीर्षक उपयुक्त शब्दों में शीर्षक लिखते हैं, उपयुक्त शीर्षक लिखते हैं जो शीर्षक हमें दिया गया है और कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं तो वो इफेक्टिव होता है, ठीक है। दूसरी विशेष बात इसकी ये है कि विषय आधारित वर्णन किया जाए, विषय आधारित क्या किया जाए, वर्णन किया जाए। आवश्यकता से यदि कोई वर्णन न हो, विषय आधारित ही वर्णन हो, यानी फालतू की बातें बिल्कुल उसमें नहीं होनी चाहिए, जो विषय लिखा है उस पे ही हमें लिखना चाहिए, ठीक है। शीर्षक व पैराग्राफ ऑफ आर्टिकल के बीच नियत दूरी हो, नियत गैप हो, यानी जहां पे हमने शीर्षक लिखा है और उसके बाद आर्टिकल का जो पार्ट लिखना शुरू किया है उसके बीच में हमें एक नियत दूरी रखनी चाहिए, निश्चित अनुपात रखना चाहिए, क्या दूरी होगी उसकी वो दूरी रखनी चाहिए, ठीक है। और अगर पर्सन में हिंट दिए गए हो, अगर क्वेश्चन में कोई हिंट्स दिए गए हो तो उनका प्रयोग अवश्य करें, ये आर्टिकल लिखने का तरीका होता है। ये आर्टिकल लिखते हैं उसके लिए विशेष बातें होती हैं कि आर्टिकल हम किस विशेष बातों के उपयुक्त, यानी किस किस किन 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 बातों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने के लिए हमें विशेष क्या ध्यान रखना होता है कि जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें जो शीर्षक है वो उपयुक्त शीर्षक लिखें, ठीक है। उपयुक्त शीर्षक लिखने के बाद विषय आधारित वर्णन, यानी जो विषय हमें दिया गया है उस विषय का ही वर्णन करें, अन्यथा कोई फालतू बातें उसमें न लिखें। ठीक है, उसके बाद शीर्षक व पैराग्राफ के ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का जो पैराग्राफ है उसके बीच नियत गैप होना चाहिए, नियत दूरी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में कोई हिंट दिए गए हो, यानी क्वेश्चन आपको आर्टिकल का क्वेश्चन दे दिया और उस क्वेश्चन में कोई हिंट दिया गया है तो आप उस हिंट के जो जो हिंट लिखे गए या जो हिंट दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आप आंसर करें, ठीक है ना। आज चलो अब हम एक आर्टिकल लिखकर फिर इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं, इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक ऑफ फीमेल फर्टिसाइड। फीमेल फर्टिसाइड का मतलब आप समझते हो, फीमेल फर्टिसाइड का मतलब होता है कन्या भ्रूण हत्या। क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या। या क्वेश्चन दे दिया यू आर महेश या मोनिका, यू आर महेश या मोनिका, यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, प्रिपेयर ए आर्टिकल फॉर यूर एनुअल मैगजीन, एनुअल यूर स्कूल्स एनुअल मैगजीन ऑन द टॉपिक ऑफ फीमेल फर्टिसाइड, ऑन द टॉपिक ऑफ फीमेल फर्टिसाइड की तुम महेश या मनीषा हो और आप अपने स्कूल की वार्षिक पत्रिका के लिए एक फीमेल फर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर एक आर्टिकल लिखो। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप लिख दो, ये लिख दो ARTLE आर्टिकल, मतलब ये ऑप्शनल क्वेश्चन होता है ना, इसमें दो होते हैं, एक तो स्पीच आता है और एक आर्टिकल आता है लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप सबसे पहले आंसर लिखते समय ये ध्यान रखिए कि ऊपर आप लिख दो कि आप आर्टिकल का आंसर लिख रहे हो, ताकि आपको जो आपकी जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करने वाला है,
उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वो सब उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपके मार्क्स हैं वो अच्छे आ सकें। कंसिस्टेंटली क्या देखते हैं कि बच्चों के मार्क्स पुअर आते हैं। पुअर आने का कारण क्या होता है कि आर्टिकल और स्पीच का लगभग एक ही तरीके का फॉर्मेट होता है, बच्चा ठीक से क्वेश्चन का आंसर समझा नहीं पाता है और सामने वाला ये सोचता है कि इसने दोनों को मिक्स कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हम टाइटल देखते हैं, अब हमें क्या बताया गया है, फीमेल फर्टिसाइड बताया है। अब आप लोगों ने ऐसे एक बार पेन से कैपिटल लेटर लिख दिया, लेकिन क्या है, पेन से कैपिटल लेटर लिखने से थोड़ा सा ही क्या कि वैसे राइटिंग वैसी हो गई ना, तो इसको हमें क्या करना है, इस पर एक या दो बार अपने पेन से ऐसे ऐसे क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है इसको, ठीक है ना। पेन से ऐसे क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। फीमेल पेन से आप करोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से करोगे, ठीक है। फीमेल फीमेल फर्टिसाइड, क्या लिखना है आपको, फीमेल फर्टिसाइड मतलब क्या होता है इसका, कन्या भ्रूण हत्या। ऐसे इसको हाईलाइट इसको भी कर दो ऐसे, इस प्रकार से इसको हाइलाइटेड कर देना आपको, फीमेल फर्टिसाइड्स, ठीक है ना, समझ में आया। ये अपने एक क्या लिख दिया, इसका टॉपिक लिख दिया। अब टॉपिक लिखने के बाद इसमें किसके द्वारा लिखा गया है, इसमें हम लिखते हैं बाय, बाय के बाद हमने लिख दिया मनीष, महेश लिख दिया, ठीक है ना, महेश के द्वारा लिखा गया है, या फिर यहां पे मनीषा लिख सकते हैं, ठीक है भाई, महेश या मनीषा, ठीक है, लिख दिया इसके नीचे बिल्कुल। कई जगह हम क्या देखते हैं, बच्चे इसके नीचे वाले जो पोर्शन है उसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये नेसेसरी नहीं है और डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश ये रखिए कि इसको ब्रैकेट में न डाला जाए, ठीक है ना, इसको बिल्कुल भी ब्रैकेट में न डालने की कोशिश रखनी चाहिए। ये नहीं कि इसके नंबर कटेंगे या नंबर नहीं मिलेंगे या एक्स्ट्रा मिलेंगे, जो भी आप लिखोगे वैसा ही है, लेकिन इसमें ज्यादा कोशिश ये रखें कि आप इसको क्या न करें, ब्रैकेट में न डालें, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे, फीमेल फर्टिसाइड का पहले अर्थ समझाएंगे। फीमेल फर्टिसाइड्स क्या होता है, फीमेल फर्टिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या। एक बेबी चाइल्ड होता है ना, बेबी चाइल्ड गर्ल चाइल्ड होता है, उसकी पेट में ही, माँ के पेट में ही या गर्भावस्था के दौरान ही उसको मरवा देना या उसकी हत्या कर देना ही क्या है, फीमेल फर्टिसाइड है। तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे, फीमेल फर्टिसाइड इज ए killing of a girl child in bond of mother। क्या लिखा, female fratricide is heinous killing of a
किलिंग ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन द बॉम्ब ऑफ ए मदर, बॉम्ब ऑफ मदर। हीनियस, यानी क्या लिखा है, फीमेल फर्टिसाइड इज ए हीनियस किलिंग ऑफ ए गर्ल, ऑफ ए गर्ल चाइल्ड इन बॉम्ब ऑफ ए मदर, कि जो फीमेल फर्टिसाइड है यानी कन्या भ्रूण हत्या है वो एक गंभीर, क्या लिखा है, गणनात्मक कन्या यानी एक लड़की या जो लड़की के रूप में बच्ची होती है उसका माँ के पेट में ही गणनात्मक मृत्यु या उसकी हत्या कर देना ही क्या कहलाता है, फीमेल फर्टिसाइड कहलाता है। अब हम आगे लिखेंगे वी हैव रीच्ड ऑन मून बट आवर थॉट्स एंड morality is in the dumb, कि हम चांद पे पहुंच गए हैं लेकिन हमारे विचार और हमारी नैतिकता है वो अभी भी गड्ढे में है। कहाँ पे है, गड्ढे में है। क्या बताया कि हम कहाँ पहुंच गए हैं, हम चांद पे पहुंच गए हैं, अपने आप में तो हम कहाँ पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी है वो सोच और हमारे विचार है वो कहाँ है, अभी खड्डे में है। इन आवर सोसाइटी द गर्ल्स ऑलवेज फेसेस नेगलेक्टिंग, इन आवर सोसाइटी द गर्ल, इन आवर सोसाइटी द गर्ल्स ऑलवेज फेसेस नेगलेक्टिंग, नेगलेक्टिंग कि हमारे समाज में लड़कियों को हमेशा किसका सामना करना पड़ता है, किसका सामना करना पड़ता है भाई, नेगलेक्टिंग यानी उपेक्षा, उनकी हमेशा उपेक्षा होती है और उस उपेक्षा का ही उन्हें सामना करना पड़ता है। देयर आर पीपल एंड फैमिली हू कंसीडर, देयर आर पीपल और फैमिली हू कंसीडर, यानी यहाँ पर परिवार और कुछ लोग हैं वो यह सोचते हैं ए गर्ल एज ए लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, क्या सोचते हैं कि लड़की एक क्या है, जिम्मेदारी है और लड़के एंड बॉयज इज एन असेस्ट, असेस्ट बॉयज क्या है, लड़के संपत्ति है, यानी क्या कहा गया है, क्या बताया गया है इसमें, देयर आर पीपल एंड फैमिली हु कंसीडर्ड
एगार एज ए लाइबिलिटी एंड ए वॉइस एन एसेंस कि बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि लड़की एक जिम्मेदारी है और लड़के हैं वो क्या है, लड़के एक संपत्ति है। दे थॉट दैट द बॉयज of today forward their name and family क्या लिखा है, दे थॉट दैट द बॉयज ऑफ टुडे फॉरवर्ड देयर नेम एंड फैमिली। वे सोचते हैं कि आज के लड़के या आज जो लड़का हमारे जन्म लिया है वो हमारा परिवार और हमारा नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन वे क्या है, बट दे फॉरगेट दैट द बॉय ए बॉय can never brought क्या बताया है, but they forget that a boy can never be brought in the world if क्या बताया है कि वे ये भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, if his mother ए फीमेल कि उसकी माता जो एक महिला है, उसकी माता जो एक महिला है वुड नॉट हैव बीन देयर वुड नॉट हैव बीन देयर क्या कहा गया इस लाइनों में, इस लाइन में ये बताया गया है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि एक लड़का है वो इस संसार में या इस दुनिया में नहीं आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता या नहीं लाया जा सकता, क्यों, यदि उसकी माता जो कि एक महिला है इस संसार में नहीं होती या यहाँ पर अगर नहीं होती तो वो क्या नहीं होता, इसे यहाँ पर उस बच्चे को या उस लड़के का आना मुनासिब नहीं था। यानी अगर हम जन्म लेते हैं तो वो हमारी माता है, वो भी क्या है कि महिला है, फीमेल है, तो यही बताया गया है कि यदि हम ऐसे ही कन्या भ्रूण हत्या करते रहे तो हमारा जन्म भी मुनासिब नहीं होगा या आगे आने वाली जो जनरेशन है वो जनरेशन बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगी, चाहे वो किसी भी समाज से हो। देयर इज अ सेइंग जैसे कि एक कहावत है, इफ यू किल द गर्ल चाइल्ड How you get
how you will get bright. क्या है इसका मतलब? ये एक कहावत है। कहावत का मतलब क्या है? देखिए, there is a saying, क्या कहा गया है? ये कहावत कही गई है कि यदि तुम एक if you kill the girl child, यदि तुम एक लड़की या लड़की के रूप में बच्चे को मारोगे तो तुम बहू कहां से लाओगे। ये फीमेल फर्टिसाइड का एग्जाम्पल है कि यदि हम लड़कियों को मारेंगे तो बहू कहाँ से लाएंगे, यानी अगर लड़के ही लड़के पैदा होंगे तो बहू कहाँ से आएगी। वैसे भी हमारे लिंगानुपात बहुत कम है कि नहीं? मोरेवार यहाँ तक कि लड़कियां हैं वो अपने माता पिता की वृद्धावस्था में भी क्या करती है? देखभाल करती है। क्या बताया है कि यहां तक लड़कियां हैं वो क्या करती है? ख्याल करती है। लेकिन लड़के क्या करते हैं? While the boys leave them alone or old as houses, कि यहां तक क्या होता है कि जहां तक हमारा मानना है लड़कियां हैं वो अपने माता पिता की वृद्धावस्था में भी देखभाल करती है, जबकि लड़के हैं वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। ओल्ड एज हाउस यानी वृद्धाश्रम, यहाँ वहां छोड़ देते हैं। सो आई वॉन्ट टू से ओनली वन थिंग, सो आई वॉन्ट टू से यू वन थिंग दैट Don't kill a girl child in womb of mother. इसलिए मैं आपसे कहता हूं, केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप एक कन्या भ्रूण हत्या मत कीजिए। ये आपके आर्टिकल हो गया फीमेल फर्टिसाइड पे, और हमें किस तरीके से लिखना है वो तरीका भी आपको बता दिया गया है। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। आपका आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट हम स्पीच के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से गुड बाय, अलविदा, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू।